हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप भाई? काफी खुशी हुई मेरे को, हां मैंने इंडक्शन चूल्हा खुद रिपेयर करा। लेकिन गाइस ज्यादा एक्साइटमेंट में एक प्रॉब्लम हो गई जो गाइस मैं बता नहीं पाया आपको उस व्लॉग में, तो इस व्लॉग बताता हूं। देख गाइस, ये रहे भाई तो उसके स्क्रू, भाई वो चल गया, अच्छा काम कर रहा है। अब ज्यादा एक्साइटमेंट में मैं भाई उसे नीचे रख गया, तो भाई मैं करता हूं इसे ले जाके ला कर आता हूं, वरना भाई से जो उठाएंगे ना मम्मा उसे तो ये हाथ में आ जाएगा और शायद वो टूट जाए। तो खैर गाइस व्लॉग भी आएंगे, पहले मैं उसे लगाता हूं फिर चलते हैं व्लॉग पर। देखो भाई खाना बन गया है इस पे और ये काफी गर्म हो रहा है, तो भाई बड़ा अरे भाई ये तो कुकर की ऐसी की तैसी कर रखी है रे भाई। फिर आगे से यहाँ रखना ठीक नहीं है क्योंकि भाई ये गिर सकता है। चलो अभी इसे इधर तो रख सकते हैं, यहाँ ठीक है। और ये काम मस्त करा, ऊपर से बंद कर रखा है इन्होंने, ये रहा भाई। इसमें भाई से मैंने एक भी स्क्रू नहीं लगाया, तो मैंने भाई से लेते हैं और देखो भाई क्या सफाई करी है, तो मैंने भाई फटाफट लगा देते हैं। जाके सुकून मिला है। हाँ तो भाई साहब हम थे इस फैन पर, देख रहे हो क्या हालत हो रही है इसकी, वाओ देखो निकल गया। और भाई ये मुझे मिला था 65 का, मतलब ये नहीं मिला, इसमें का नया फैन मिला था 65 रुपए का, और भाई मेरे को लगता है ये ठीक हो सकता है। तो गाइस देखते हैं हम इसका क्या बनाएंगे, कमेंट करके बताओ। वैसे गाइस ये कूलिंग के लिए होता है, मतलब इंडक्शन की जो हीट होता है तो बाहर निकालने के लिए, एक तरह का एग्जॉस्ट फैन है। फिलहाल भैया ये कितने वोल्ट में है, ये 18 वोल्ट में, 18 वोल्ट में है। पहला गाइस दिक्कत है कि भाई इसे हमें ठीक करना पड़ेगा, वरना भाई ये बार बार निकलेगा और दिक्कत करेगा। देखो छोटा सा बैरिंग लग रहा है इसके अंदर, क्यूट सा बैरिंग है, तो इसके लिए भैया हमें इसकी चिट हटानी पड़ेगी वाली, जगह की बहुत ही ज्यादा कमी है। सफाई निकाले करेंगे थोड़ी, ये देखो भाई ये तो फायदा इसका, ऐसी गंदगी जो कर दे खराब जिंदगी, वाह ये तो शेर बन गया भाई। लिख लो जल्दी से फटाफट, दिमाग निकल जाती है वरना। तो ले जाओ भाई, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गंदे तरीके साफ किया मैंने भाई, जब तक कपड़ा ना मारो ना भाई तब तक यार मजा पे तो नहीं आता। खैर साफ करके मजे कैसे आएगा इसे, यार गंदगी फैला रहे हैं जब से इस पे लगे ना। सैमसंग सही चल रहा भाई सेट, तो भैया ये हो गया साफ। और भाई इसकी चिट चुटाते हैं क्योंकि भाई साहब चिट के पीछे आई थिंक इसका लॉक लगेगा। ओ भाई ये क्या है, लॉक तो इसके अंदर ही है, ये रहा ये चिपक रहा भाई, पर ये प्लास्टिक का है, लॉक ऐसा नहीं है। इसे फिलहाल यहाँ रखते हैं और इसका ऑपरेशन होगा। और क्या क्या माल पानी इसके अंदर, ये रबड़ का है, ये रहा, और इसके अंदर भाई कुछ नहीं है। देखो अब अगर ये भाई लग जाए ना, वैसे निकलेगा तो नहीं, हाँ ये तो निकलेगा नहीं, ये तो बिल्कुल सैड अपनी जगह। ये लगाते हैं भाई, अब इसके पीछे लॉक लगता है ना, तो ये लग जाए ना सही तरीके से। बस दिक्कत भाई ये है कि भाई साहब ये बिल्कुल टूट गया है, मैं तो अंदर से टूट गया, मतलब हाँ ये अंदर से टूट गया भाई, ये इसके लफ्ज थे। अबे लग जा यार, कैसे परेशान कर रखा है। लो भाई अभी तो वैसे नहीं निकलेगा जल्दी से, ये ऐसे चलेंगे ना तो जल्दी निकलेगा, ऐसे चलेंगे तो नहीं निकलेगा जल्दी से। यार काफी गंदा हो रहा अभी भी है ना, देखो कितना गंदा हो रहा भाई साहब। और भाई साहब मुझे नहीं पता इसकी हवा कैसी है, ये वायु कैसी फेंकता है, तो यार ऐसे तो मजा बिल्कुल नहीं आ रहा। पहले ऐसे धोके साफ करते हैं ना, पता नहीं यार आजकल मेरे साथ क्या बुखार चढ़ रहा भाई, मुझे हर चीज साफ करके अच्छी लगती है। क्यों करते हो ये सब, उम्र हो गई है, ये बात अच्छी है। और भाई साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पहले निकाल लेता हूँ, निकलते ऐसी जाएगा। ओ भाई आपका सही लग गया, निकल जा निकाल। देखो भाई ये लोग काम कर रहा, इट्स वर्किंग, अब ये नहीं निकलेगा, अब ये निकल जा भाई। देखो भाई अब निकलने रहा निकालने से भी, तो खैर मेरा मूड था कि भाई मैं अच्छे से धोके वॉश करूं, ये हो रहा नहीं जा रहा, मतलब क्या कर रहा है। मैं इसे ऐसे ही साफ कर दूंगा, कपड़ा लाकर गीला लीजिए भाई, गीले से ही साफ होगा ऐसा। ये बस एक दिक्कत है भाई, इसमें 18 वोल्ट में है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, कुछ नहीं बस। लो भाई अब लग रहा है साफ सुथरा सा, देखिए बढ़िया। इस स्टीकर को भी चिपका दे, ऐसा लगा भाई हमने खो लेना हो इसे, लग गया। अभी से चला के देखते हैं फटाफट। तो भाई चलाने के लिए मेरे पास एक है दिमाग, अरे बाबा ये रहा, सारी चीज ऐसी पड़ी है। और गाइस इस व्लॉग को बनाने के बाद भाई साहब फटाफट आज स्टूडियो की सफाई करनी है मेरे को अच्छे से, मतलब भले करके सफाई करनी है, ऐसे नहीं लल्लू पंजू सी ना। ये इसमें सॉकेट काम ना करने का, इसका सॉकेट लगाओ, मैं तो टूट गया अंदर से वाले साहब। बहुत तकलीफ होती है ये रही भाई, वो लीड गधे की लीड, वो गधे की लीड गधे की पोटी होती है। तो भाई फटाफट करते हैं इसके, कितने 18 वोल्ट का है, तो भाई फटाफट 18 वोल्ट करते हैं इसके। चलो 19 हो गए, हाँ और ये भी लाइट, हाँ देखें भाई चल जाए तो हमारा फायदा हो जाए। और ये कालो, ओ भाई ओ चल गया, ओ भाई इसकी हवा बहुत तेज है भी, जो बात है गाइस मुझे उम्मीद नहीं थी भाई इसकी इतनी अच्छी हवा है, सिंपल है भाई उल्टी देगा। तो चले भाई पहले मैं देखूं भाई इसे पकड़ के इस तरीके से उंगली में ना लगे, तो ये ऐसे बदेगा, हाँ ओ भाई वाह क्या मस्त हवा भाई इसमें। तो भाई निकल नहीं रहा अभी, देखो ऐसे तो गाइस काम कर गया हमारा फैन। वैसे भाई इसकी इतनी अच्छी हवा कि भाई ये भी इंडक्शन हमारा काम कर जाता, इसे अगर हम ना बदलते ना तो भाई बड़ा काम करता, जो बात है। तो फिर भी गाइस हमने नया लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब यकीन मानिए काफी मस्त हवा इसकी। तो गाइस हम इसका क्या बनाने वाले हैं, हम इसका एक मस्त चीज बनाने वाले हैं। लेकिन भाई बेसिकली क्या देखें,
चलो भाई, काफी मस्त चीज मिली मेरे को, एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई अगर कुछ चीज मिल जाए अच्छी सी इसका बेस बनाने के लिए तो मजा सा आ जाएगा। यहाँ पे यार कुछ भी नहीं रखा है, बड़ी दिक्कत है। हाँ एक चीज मेरे को लग रही है भाई, अगर मिल जाए फिलहाल तेरा टीन कनस्तर ऑयल का, इसे ले लेते हैं, ये बड़ा काम करेगा। तो गाइस इसका मैंने बनाया बेस प्लेट, देखो काफी हल्की है भाई, काफी लाइट वेट है। यहाँ से मैंने बैंड कर दिया इसे हाथों में ना लगे, तो भैया इसे इस तरीके से चिपकाएंगे। खैर चिपकाने पाते हैं पहले। हाँ तो भैया हवा तो इधर से देगा नहीं, तो गाइस ये देगा इधर से हवा, तो भैया से इधर ही चिपकाना पड़ेगा। तो ये रहा कुछ ऐसे, और से चिपकाना पड़ा, क्या काम अभी देखते हैं लोगों से काम हो जाए तो, वरना और भी तरीके हमारे पास। लगा दिया और रुक जा, रुक जा, एक पत्ती यहाँ पर लग जाएगी इस तरीके से एल बन के। वैसे गाइस रुक गया, कमाल हो गया। और ये मैंने नए वाली ग्लूगन लगाई है, अभी मैं और भी लगाऊंगा, अभी तो ये सूखी भी नहीं है सही से। टन टन शक्तिमान, ये शक्तिमान पंखा बनने वाला हमारा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसमें तो ग्लिस्टी खत्म हो गई यार, लेगा नहीं पड़ेगा, टूट जाएगा भाई। गाइस टेढ़ा कर दिया, मैंने कहा था ना आपसे। खैर थैंक यू सो मच, आपने इसे देखा, ये हो गया बढ़िया। रेसे रेसे तो खिंच जा मैं, ससुरे पिज्जा खाने की याद आ जाए फिर हमें। पहले तो ऐसे ऐसे पकड़ रखते हैं। लेट है आओ। हाँ तो गाइस ये मस्त लग गया पंखा, इधर से देगा, सिंपल सा फैन है। अब भाई इसे चलाने की बारी आती है, तो चलें कैसे। वैसे ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा है, लोंडा थोड़ा सा टेढ़ा ना हो जाए इधर को। अभी ये वैसे अगर पूरी सूखा भी ना दे, देखो भाई ये रे उंगली के निशान अभी से पड़ रहे हैं, तो यानी गाइस अभी ग्लूगन सूखे नहीं है पूरी तरीके से। और भाई चलाने का जोड़ देखते हैं गाइस, ये 18 वोल्ट है भाई, हम चलेंगे 18650 लैपटॉप की बैटरी से। लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर कि भाई ये चलता है 18 वोल्ट से, और भाई हमारी बैटरी लैपटॉप की बैटरी, तो ये जो बैटरी भैया ये है 3.7 वोल्ट, या मान लो चलो फुल चार्ज 4.2 वोल्ट, मोटा मोटा मान लेते हैं 4 वोल्ट ठीक है। तो भैया इसे चलाने के लिए हमें 18 वोल्ट देने पड़ेंगे इसे, तो उसके लिए गाइस एक जुगाड़ है मेरे पास। देखो भाई ये एक मॉड्यूल है गाइस, असल में ये तीन काम कर सकता है। देखिए सेफ्टी के साथ चार्ज भी कर सकता है, और भाई पावर भी इसकी बढ़ा सकता है, यानी कि बूस्टर मॉड्यूल का भी काम करता है, और ये सस्ता ही पड़ता है उसके मुकाबले। वरना भाई हमें दो मॉड्यूल लगाने पड़ेंगे, एक तो चार्जिंग के लिए और दूसरा वाइस लगाना पड़ेगा हमें पावर को बूस्ट करने के लिए। लेकिन भाई साहब यहाँ खुड्डी ले पड़े, इसे घंटा पावर देंगे। तो भाई देखते हैं कि मुझे नहीं पता कि इससे चल पाएगा अरे यार पता है चल जाएगा, इतनी पावर नहीं लेता है। पहले मोटा मोटा देख लेते हैं कि भाई ये कितनी पावर ले रहा है, और पावर पता लग जाएगी इससे। बहुत ही जी भाई, ओ भाई ये रहा ओनली 190 मिली एम पे ले रहा। ओ भाई आराम चलेगा भाई, आराम से मतलब मजा ही आ जाएगा जो बात है। तो फटाफट से कनेक्शन करते हैं, तुम पीछे जाओ तुम्हारा काम हो गया, चल जाए तो बात बन जाए, मजा आ जाए, आप जो मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो भैया ये लो भैया चार्जिंग का जुगाड़, इसका काम हो गया खत्म, और इस बैटरी को यहाँ चिपकाएंगे ऐसे। और भाई ये ऑन ऑफ के लिए ये स्विच, टिकटॉक टैक्टाइल स्विच जो भी कहते हैं। तो गाइस यकीन मानिए सारे कनेक्शन बिल्कुल हलवा है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। खैर इस पे देखो सारी चीज लिखी है, बैटरी प्लस माइनस, और भैया आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस ठीक है। और अभी चला के देखते हैं, वैसे गाइस मैंने इसके वोल्टेज भी सेट नहीं किए। ओ भाई चल गया, तो और ये हीट नहीं हो रहा, लेकिन भाई ये कम चल रहा है, आई थिंक इसके वोल्टेज काफी है, अभी आउटपुट कम है ना। तो उसके पहले गाइस आउटपुट सेट करते हैं थोड़ा, है ना, यहीं से सेट कर लेंगे इसकी जरूरत है। ये रहा भाई साहब मल्टीमीटर, इसको चेक कर, हमें करनी है 18 वोल्ट। और अभी जो आ रहे हैं भैया, ये रहा इसका अभी सिर्फ 12 वोल्ट है, चल रहा 12 वोल्ट पे, लेगा इसकी कम चल रहा है ना। तो हम इसके आउटपुट सेट करते हैं ठीक है। हमसे पंगा, आप देख भी लोगे किस तरीके से ये काम करता है। देखो भाई ओ ओवरलोड हो गया, ये है भैया, ये मतलब इतना एक्यूरेट काम नहीं करता इसका, जो ये प्री सेट है ना इतना एक्यूरेट काम नहीं करता। लो भैया 18.5, ये ना मतलब ये बिल्कुल बहुत कम घुमाने पे ज्यादा गड़बड़ करते। देखो 17 हो गया, 17.97 या 9-8 वोल्ट होगा, प्रो 18 मान के चलते हैं। तो भैया अभी इसका हवा जैसा बन जाना चाहिए, 4 वोल्ट दे दिए तो खुश भी हो जाना चाहिए। चलो भाई चालू करके देखते हैं इसे, लंडे ये हो गया बढ़िया। ओ भाई क्या मस्त हवा दे रहा, अरे भाई मजा आ गया भाई जो बात है, मतलब आपको इसे पता नहीं लगेगी। तो गाइस एक पिन ले गया भैया मैं, इसका लहंगा बनाना है उड़ाने के लिए आपको दिखाने के लिए। यार ऐसे मैं बहुत सारी पिन जैसे काट चुका हूँ, यकीन मानिए। लो भैया लहंगा बनकर तैयार, पर ये एक्यूरेट नहीं बना, अभी छुटाना पड़ेगा थोड़ा। ये है महबूबा का लहंगा, एक रुक जाओ, अब लगता है ठीक है, थोड़ा हलक से गाना पड़ता है। तो गाइस ये रहा ठीक है, और भैया अभी इसे चला के देखते हैं, काफी मजा आएगा बस है। तो मैं इसे चालू करता हूँ ठीक है। ओ भाई देखो भाई बड़ा काम कर रहा है, मतलब एक बंदा आराम से आकर बैठ जाएगा, यहाँ आ रही है।
आवाज भी नहीं कर रहा और भाई मस्त काम कर रहा। साइलेंट तो होते हैं गाइस इनके जो फैन होते हैं, और इसकी हवा काफी दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है। देखो तो फेंकते हैं इसे और गाइस हवा खाते हैं। हाय मेरे बाल नहीं हिलेंगे भाई, काफी हार्ड बाल है, मोटे मोटे बाल है, लेकिन हाँ हिल रहे हैं, इतना भी नहीं उड़ जाएंगे। तो आपको इससे पता लग जाएगी काफी अच्छी है, हवा दे रहा है, भाई बहुत अच्छी है इसकी। और गाइस ये पावर बहुत कम लेता है, ओनली 180-190 मिली एम्पियर, मस्त घंटों चलेगा भाई एक बैटरी से। और गाइस एक बात और, आप इसके यूज किसी प्रोजेक्ट में भी कर सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना कि उन्हें फैन बनाना, टीचर्स आप कह सकते हो भाई ये इंडक्शन में खराब एग्जॉस्ट फैन निकाला है, हमने उसे ठीक करा है, इसकी सफाई करी है, उसके बाद हमने इसका प्रोजेक्ट बनाया छोटा सा, और ये काफी क्यूट सा है। एक बात और गाइस, इतना इसमें टॉर्क नहीं है कि भाई अगर आप हाथ डालो हाँ हल्का फुल्का लग सकता है, लेकिन भाई इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब गाइस मेरा मकसद ये है, मतलब कोई भी चीज कपड़ा नहीं होती और उसको हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और आपके सामने गाइस देखिए बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा, जैसे भाई आवाज आती है ना एयर की, बस इस तरीके से आवाज तो आएगी, हवा के वास्ते कैसे बदलता आएगी, और ये इतना हीट नहीं हो रहा, मस्त बिल्कुल। तो इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हो। भाई यकीन मानिए इतना मजबूत तरह से लग गया है, देखो निकलेगा नहीं, देख रहा पूरी ऊपर, देखिए पूरी शीट ली है, देखिए सवाल भाई निकल जाए ना, काफी आसानी से बन गया है। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई ऐसे जुगाड़ करो और भाई गर्मी भगाते रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। वैसे गाइस मुझे इतनी उम्मीद नहीं, इतनी अच्छी आवाज देगा, मस्त आवाज देगा। बाय बाय।